दुनिया भर में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसका असर खेलों और टीमों के विदेशी दौरों पर भी पड़ता दिख रहा है। बढ़ते मामलों के बीच वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का फरवरी में होने वाला भारत का दौरा संकट में घिरता नजर आ रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम अगले महीने भारत दौरे पर आने वाली है। इस दौरे पर दोनों ही टीमों के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैच खेले जाने हैं। पहला वनडे 6 फरवरी से अहमदाबाद में खेला जाना है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के नए मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं उससे पूरा आयोजन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दौरा रद्द भी हो सकता है। दिसंबर 2021 से ही देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य सरकारें अपनी तरफ से अलग अलग प्रतिबंध भी लगा रही हैं। इन सबके बीच BCCI ने भी रणजी ट्रॉफी रद्द कर दी है। इसके साथ इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वेस्टइंडीज का इंडिया टूर भी रद्द हो सकता है। क्रिकेट के दीवाने देश में ये फैंस के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। इस दौरे पर रोहित शर्मा पहली बार भारत के लिए वनडे कप्तान की भूमिका निभाने वाले थे। अगर यह दौरा रद्द होता है तो फैंस के लिए भी झटका होगा ही, साथ ही रोहित शर्मा का भी कप्तानी का इंतजार लंबा हो जाएगा। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आपको क्या लगता है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज को रद्द कर देना चाहिए या आगे बढ़ा देना चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इसे शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इनसाइड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।